स्टूडेंट्स, और आज हम देखेंगे फिर से पांचवी श्रृंखला है 50 एमसीक्यू अराउंड 10 से 15 मिनट में, और ये आपके पॉलिटिकल साइंस अर्थात सिविक्स भी जिसको बोलते हैं उससे संबंधित है, और ये आपके TGT, PGT, GDC, GYC, असिस्टेंट प्रोफेसर और साथ ही नेट JRF एग्जाम के लिए अत्यंत उपयोगी है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, हमारे संविधान में प्रिवी पर्स और विशेषाधिकारों का उन्मूलन जो है कौन से संविधान संशोधन द्वारा कर दिया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 26वें संविधान संशोधन द्वारा जो है प्रिवी पर्स को, या जो राजा हैं उनको जो विशेषाधिकार दिए गए थे उसको समाप्त कर दिया गया था, उनका उन्मूलन कर दिया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए। तो सही आंसर हो जाएगा डी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। ये तीन शब्द जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ध्यातव्य है कि अब तक जो है प्रस्तावना में केवल एक ही बार संशोधन किया गया है, और वो है 42वां संविधान संशोधन 1976 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की भूमिका में समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष अर्थात धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। तो सही आंसर हो जाएगा बी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है भारत के संविधान में किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया। तो सही आंसर हो जाएगा बी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 368 को निम्नलिखित में से कब जो है या कौन से संविधान संशोधन द्वारा संशोधित किया गया। तो सही आंसर हो जाएगा ए, 24वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 368 और अनुच्छेद 13 में जो है संशोधन किया गया 1971 में। डिटेल देख लेते हैं, और ये निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाद ने भारतीय संसद को 24वां संवैधानिक संशोधन लागू करने के लिए प्रेरित किया। तो सही आंसर हो जाएगा सी, गोलकनाथ केस ने। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भूतपूर्व राजाओं के विशेषाधिकार को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा समाप्त किया गया। तो सही आंसर हो जाएगा 26वें संविधान संशोधन द्वारा। ये क्वेश्चन हम देख चुके हैं ऊपर, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में 73वें और 74वें संशोधन अधिनियम ने निम्नलिखित में से किसको सम्मिलित किया। तो सही आंसर हो जाएगा सी, भाग 9 और भाग 9 ए को। इसके तहत भाग 9 में ग्राम पंचायत की व्यवस्था की गई, जबकि भाग 9 ए में जो है नगर पंचायत की व्यवस्था की गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनुच्छेद 368 निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो सही आंसर हो जाएगा कठोरता एवं नमनीयता, क्योंकि अनुच्छेद 368 जो है भारतीय संविधान में संशोधन से संबंधित है, जो कि न तो अमेरिका की तरह कठोर है ना ही ब्रिटेन की तरह नमनीय है, बल्कि दोनों का जो है समन्वित रूप धारण करता है। अगला क्वेश्चन है ये कह रहा है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं, और कूट के द्वारा सही आंसर चुनना है। क, संविधान संशोधन की बहुल प्रक्रिया, सही है। ख, कह रहा है राज्यों को संशोधन की पहल करने का अधिकार नहीं है, ये भी सही है। ग, कह रहा है कुछ संशोधन केवल राज्य विधानमंडलों द्वारा ही पारित किए जा सकते हैं, ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, जब आप देखेंगे कि उन्हें पहल का अधिकार ही नहीं है तो केवल राज्यों द्वारा पारित करने का कोई सवाल नहीं उठता। और घ, कह रहा है संविधान संशोधन संबंधी विवादों के समाधान के लिए संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें, तो ये भी गलत है। संविधान संशोधन में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। इस प्रकार सही आंसर हो जाएगा क एवं ख। तो इस प्रकार हमारा सही आंसर है बी, क एवं ख जो है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में वर्णित विशिष्ट प्रावधानों के तहत अनुच्छेद 371 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस राज्य का वर्णन नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा सी, तमिलनाडु का जो है अनुच्छेद 371 के तहत वर्णन नहीं है, बाकी महाराष्ट्र भी है, गुजरात, आंध्र प्रदेश सभी हैं। देखते हैं 371 अनुच्छेद के तहत कौन कौन से राज्य हैं वो आते हैं। तो इसमें हो जाएगा नागालैंड, असम, मणिपुर, मिजोरम, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इसमें जो है कोई भी बिल्कुल दक्षिण का कोई राज्य नहीं है। ये जो तेलंगाना है वो आंध्र प्रदेश के तहत आता है, पर बिल्कुल सुदूर दक्षिण का कोई राज्य नहीं है अनुच्छेद 371 में। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान है, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में नीति निदेशक, तो भाग 5 के सुमेलित नहीं है, क्योंकि मौलिक कर्तव्य जो है भाग 4 क में या भाग 4 ए में जो है इसका वर्णन है। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का 79वां संविधान संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो सही आंसर हो जाएगा डी, लोकसभा और राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं में SC तथा ST के आरक्षण से संबंधित है। और ध्यातव्य है कि जो है जो संविधान संशोधन है अनुच्छेद 334 के तहत SC ST और आंग्ल भारतीय समुदाय को लोकसभा और राज्य विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान था, जिसको कि जो है इसमें से
जो अंग्ल भारतीयों को जो दिया गया था उसको आरक्षण दिया गया था उसको जो है समाप्त कर दिया गया है इस बार, और केवल अब जो है SC ST को जो है आरक्षण दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर से सेम क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का 79वां संशोधन अधिनियम 1999 किससे संबंधित है। तो सही आंसर हो जाएगा डी, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में SC और ST के आरक्षण से। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों की जो है मौलिक शिक्षा जो है मौलिक अधिकार बन गई है। तो सही आंसर हो जाएगा बी, 86वें संविधान संशोधन द्वारा जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो पहले नीति निदेशक तत्व था अब उसे मौलिक अधिकार बना दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान का कौन सा संशोधन ग्राम पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करता है। तो सही आंसर हो जाएगा ए, 73वां संविधान संशोधन जो है ग्राम पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करता है। और 74वां संविधान संशोधन जो है वो नगर पंचायत से संबंधित है, और ये कब हुआ था 1992 में जो है। नहीं तो आप जानते हैं वैसे तो ग्राम पंचायतों की शुरुआत 1959 में ही जो है राजस्थान से शुरू हो गया था, पर ये संवैधानिक जो है इसको दर्जा कब मिला, 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, ये अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संसद द्वारा किस वर्ष संविधान का 73वां संशोधन विधेयक पारित किया गया। तो सही आंसर हो जाएगा सी, 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 1/3 स्थान आरक्षित किया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा सी, 73वें संविधान संशोधन द्वारा जो है महिलाओं को ग्राम पंचायतों में 1/3 आरक्षण भी प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वयस्क मताधिकार के लिए मूलतः 21 वर्ष की अवस्था जो है निर्धारित थी, परंतु इसे अब घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है, यह किस वर्ष जो है किया गया। तो सही आंसर हो जाएगा सी, 1989 में 61वें संविधान संशोधन द्वारा जो है मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन ने मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी। तो सही आंसर हो जाएगा सी, 61वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला जो है वो क्वेश्चन कह रहा है कि कौन संविधान संशोधन अधिनियम भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचन में संघीय क्षेत्रों की विधानसभा के सदस्यों के भाग लेने का प्रावधान करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका डी, 70वां संविधान संशोधन अधिनियम। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत संघ से किसी राज्य के पृथक होने को प्रतिबंधित किया गया है। तो ये इनडायरेक्टली जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, 16वां संविधान संशोधन अधिनियम। हालांकि आयोग ने बाद में इस क्वेश्चन का जो है आंसर वो रद्द कर दिया, सबको समान अंक दिए गए, क्योंकि ये मूल रूप से संविधान में जो है निहित है कि हमारा जो देश है वो यूनियन ऑफ स्टेट है, न कि एक फेडरेशन है, और इस तरह जो हमारे राज्य हैं देश के उन्हें जो है केंद्र से अलग होने का अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान के किस संशोधन द्वारा स्पष्ट रूप से यह बताया गया कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श को मानने के लिए बाध्य है। तो सही आंसर हो जाएगा सी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये व्यवस्था की गई कि जो राष्ट्रपति है वो मंत्रिपरिषद के परामर्श को मानने के लिए वो बाध्य है, वो जो है किसी भी विचार को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता, और इस व्यवस्था को जो है 44वें संविधान संशोधन द्वारा रद्द करते हुए ये व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति चाहे तो उस जो है उसे पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है इसमें कि भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची जो है किसके तहत जोड़ी गई है। तो सही आंसर हो जाएगा ए, 52वें संविधान संशोधन द्वारा जो है 10वीं अनुसूची जोड़ी गई संविधान में, जो कि दल बदल से संबंधित है। मूल रूप से संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, वर्तमान में 12 है इनकी संख्या। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये कह रहा है कि राजनीतिक अस्थिरता को जन्म देने वाली दल बदल की परंपरा को किस संविधान संशोधन द्वारा सीमित किया गया। तो सही आंसर हो जाएगा बी, 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन को संविधान का मिनी सुधार या लघु संविधान संशोधन भी कहा जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ए, 42वां संविधान संशोधन को संविधान का मिनी सुधार या लघु संविधान भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन ने राज्य की नीति निदेशक सिद्धांतों का जो है विस्तार किया। तो सही आंसर हो जाएगा ए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है नीति निदेशक तत्वों का विस्तार किया गया, और कुछ नए नीति निदेशक तत्व जोड़े गए उसे हम देख लेते हैं क्योंकि वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसमें हम देखते हैं कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है कौन कौन से प्रावधान जोड़े गए।
तो ये निम्नलिखित जो है जोड़े गए, पहला शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा अनुच्छेद 39 च, और दूसरा समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सहायता अनुच्छेद 39 क, और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों या श्रमिकों की भागीदारी अनुच्छेद 43 क। ये तीनों ही जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में राष्ट्रीय एकता के साथ ही अखंडता शब्दों को जोड़ा गया, तो सही आंसर हो जाएगा ए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, राष्ट्र समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। और ध्यातव्य है कि अब तक जो है प्रस्तावना में केवल एक बार ही संशोधन हुआ है और वो है 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, तो सही आंसर हो जाएगा ए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति पद के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया है, तो सही आंसर हो जाएगा ए, 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो है आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का जो है प्रयोग किया गया ताकि आपातकालीन शक्तियों का दुरुपयोग न किया जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा कृषि आय पर कर, क्योंकि ये जो है राज्य सूची का विषय है। अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है संघ सूची का विषय नहीं है, तो इसमें जो सही हो जाएगा विवाह एवं तलाक, क्योंकि ये जो है समवर्ती सूची का विषय है, बाकी अन्य जो है संघ सूची के विषय हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा विवाह एवं विवाह विच्छेद, जिसको कि विवाह विच्छेद को तलाक भी कहते हैं, तलाक। हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में राज्य सूची का विषय नहीं है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा कॉमन सेंस से राजनयिक प्रतिनिधित्व, क्योंकि ये जो दायित्व है वो केंद्र सरकार का है। अगला क्वेश्चन है, एक विषय को समवर्ती सूची में शामिल किया जाता है जब इस पर एक कानून पास किया जा सकता है, किसके द्वारा, तो सही आंसर हो जाएगा सी, केंद्रीय और राज्य सरकार के द्वारा। कुल मिलाकर समवर्ती जो सूची होती है, समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र और राज्य दोनों को ही कानून बनाने का अधिकार होता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन प्रबंधित है, तो सही आंसर हो जाएगा सी, 7वीं अनुसूची में जो है केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है, और संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का जो है इसमें वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में निम्नलिखित में से क्या शामिल है, समवर्ती सूची अर्थात जिसपे केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा विवाह और विवाह विच्छेद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय नहीं है, तो ये भी आसान क्वेश्चन है, न्यायालय का अवमान, क्योंकि ये समवर्ती सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो सुमेलित करने के लिए कह रहा है, तो संविधान में वर्तमान में तो आप जानते हैं 12 अनुसूचियां हैं, तो तीसरा जो तीसरी अनुसूची है वो शपथ से संबंधित है, चौथी अनुसूची प्रतिनिधित्व राज्यसभा में राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है उससे संबंधित है, छठा जो है ये आपका संबंधित है जनजातीय क्षेत्र से, जिसमें 4 राज्य आते हैं, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, और 9वां जो है ये भूमि सुधार से संबंधित है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इसका जो सही आंसर है वो बी है। इस प्रकार आप यहाँ पे आंसर भी देख लेंगे, तीसरा शपथ से संबंधित है, चौथा राज्यों में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व, छठवां जनजातीय क्षेत्र और 9वां भूमि सुधार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान भी, चौथी अनुसूची, जैसा कि अभी आपने ऊपर देखा भी। अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि संविधान की छठी अनुसूची में दी गई स्वायत्त जिला परिषद उत्तर पूर्व भारत के किस राज्य में लागू नहीं होती है, तो सही आंसर हो जाएगा सी, अभी हमने देखा नागालैंड में लागू नहीं होती है, ये 4 राज्यों में लागू होती है, वो 4 राज्य कौन है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। आप ध्यान रखेंगे मेघालय और मिजोरम है, मणिपुर नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो चूंकि ऑप्शन में 8 दिया नहीं है तो सही आंसर हो जाएगा 12, मूल रूप से 8 थे और वर्तमान में जो है 4 बाद में जोड़ी गई, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में। अगला कह रहा है फिर से सेम क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो सही आंसर हो जाएगा डी, 12 अनुसूचियां हैं। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की पहली अनुसूची का प्रावधान नहीं है, तो राज्य है, सॉरी फ्रेंड्स,
राज्य है, संघ राज्य क्षेत्र भी है, राज्यों के नाम और राज्य क्षेत्र भी, नागरिकता नहीं है, क्योंकि जो नागरिकता की बात की गई है वो फ्रेंड्स जो है भाग दो में की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संघ में एक नया राज्य अगर सम्मिलित करना हो तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन आवश्यक होता है? तो सही आंसर हो जाएगा ए, पहली अनुसूची में संशोधन करना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% पर सीमित कर दी गई है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मेनी टाइम जो है पूछा गया है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा कि 91 संविधान संशोधन द्वारा जो है मंत्रिमंडल की संख्या को सीमित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन नगरीय स्थानीय संस्थाओं को जो है संवैधानिक मान्यता प्रदान करता है? तो सही आंसर हो जाएगा बी, 73वां संविधान संशोधन ग्राम पंचायत से संबंधित है और 74वां जो है ये नगरीय पंचायत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की संरचना तथा कार्यों से संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका डी, 99 संविधान संशोधन। हालांकि बाद में इसे जो है सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को, तो फिर से कोलिजियम प्रणाली को जो है कंटिन्यू कर दिया गया है। फिर कह रहा है कि कौन सा संविधान संशोधन जो है वो समय संशोधन अधिनियम से संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा डी, भारत बांग्लादेश संबंध, इसके तहत जो है भूमि की अदला बदली की गई भारत और बांग्लादेश के बीच। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था हुई है कि किसी मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या सदन की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? इस क्वेश्चन को देख चुके हैं, सही आंसर हो जाएगा बी, 91 संविधान संशोधन। अगेन सेम क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा मंत्रियों की संख्या को लोकसभा की कुल संख्या का 15% निश्चित किया गया है, तो आंसर हो जाएगा सी, 91 संविधान संशोधन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। और फिर से ही सेम क्वेश्चन है, तो आगे बढ़ते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में 86वें संविधान संशोधन के पश्चात कितने मौलिक कर्तव्य हो गए हैं? तो सही आंसर हो जाएगा सी, 11। और आप जानते हैं कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष के बालकों को जहां मौलिक अधिकार प्रदान किया गया, वहीं अभिभावकों को के लिए एक मौलिक कर्तव्य निर्धारित किया गया कि वे जो है इस आयु के बच्चों को शिक्षा जरूर प्रदान करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत में किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के स्तर से वंचित कर दिया गया? तो सही आंसर है सी, 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को जो है समाप्त करके उसे अब एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। अगला जो क्वेश्चन है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया? तो सही आंसर हो जाएगा बी, 44वें संविधान संशोधन द्वारा, और इसे जो है अनुच्छेद 19 से समाप्त करके अनुच्छेद 300 के अंतर्गत अब एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। किसको? संपत्ति के अधिकार को। तो अब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रहा बल्कि विधिक अधिकार हो गया है। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, धन्यवाद।